अच्छे हो ना, अच्छे हो ना। हाँ वेरी गुड, तो अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश, क्या सीखेंगे इंग्लिश, और इंग्लिश में हम स्मॉल लेटर्स सीख रहे हैं, है ना, उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो हमने क्यू तक रिवीजन कर लिया है, तो आगे वाले जो आर से जेड तक जो बाकी है उसका आज हम रिवीजन करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, वैसे तो आगे वाले लेटर्स अपने सारे रिवीजन कर लिए होंगे, लिख भी लिए होंगे और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से की होगी, की है ना आपने कि नहीं की है, प्रैक्टिस अच्छे से की है ना। हाँ वेरी गुड, तो अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आ भी गया होगा। तो आगे वाले जो लेटर्स है वो हम सीखते हैं कि कैसे लिखा जाता है और कौन सी लाइन में लिखा जाता है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। चलो पहले क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे आर, क्या लिखेंगे आर। तो आर है वो ब्लू लाइन में लिखा जाता है, यानी ब्लू लाइन के बीच में लिखा जाता है, जो दो ब्लू कलर की लाइन है उसके बीच में लिखा जाता है। तो क्या करेंगे, पहले स्टैंडिंग लाइन करनी है और स्टैंडिंग लाइन से थोड़ा नीचे से ऊपर ऐसे कर्व करना है, ये बन गया आर। फिर से क्या करेंगे, इस तरह से स्टैंडिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन से थोड़ा नीचे आके इस तरह से कर्व करना है, ये बन गया आर। आर फॉर रोज, आर फॉर रेडी, आर फॉर रोज, आर फॉर रेडी। फिर आर के बाद क्या आएगा, क्या आएगा बताओ मुझे, क्या आएगा एस। तो एस भी जो है वो ब्लू कलर की लाइन में ही लिखा जाता है, दो ब्लू कलर की लाइन है उसके बीच में ही लिखा जाता है। तो क्या करेंगे, ये ब्लू लाइन ऊपर वाली तो उससे नीचे थोड़ा ऐसे कर्व करेंगे ऐसे, और फिर उसके ऑपोजिट साइड कर्व करेंगे, ये बन गया एस। फिर से क्या करेंगे, ऐसे और फिर ऑपोजिट साइड, ये बन गया एस। एस फॉर सन, एस फॉर सन, एस फॉर सीप, बड़ा वाला जहाज जिसको सीप बोलते हैं, तो एस फॉर सन, एस फॉर सीप। आर एस और फिर उसके बाद क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, हाँ टी। तो टी के लिए क्या करेंगे, हम स्टैंडिंग लाइन करेंगे, ऊपर से पिंक वाली लाइन से नीचे वाली जो ब्लू लाइन है सेकंड नंबर की वहां तक स्टैंडिंग लाइन करेंगे, और फिर उसको वहां से इसे मोड़ेंगे हाथ, ये जो दो ब्लू कलर की लाइन है उसके बीच तक हम ऊपर इस तरह से मोड़ना है, और फिर ये ब्लू लाइन है उससे थोड़ा नीचे स्लीपिंग लाइन करेंगे, तो हो गया ठीक। क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, स्टैंडिंग लाइन से थोड़ा इस तरह से गौर करेंगे, और फिर बीच में स्लीपिंग लाइन। तो टी फॉर टाइगर, टी फॉर टाइगर, टी फॉर टोमेटो, टी फॉर टाइगर, टी फॉर टोमेटो, समझ में आया। तो आर लिखा, एस लिखा, टी लिखा, और क्या लिखेंगे, क्या आएगा, आर एस टी यू, वेरी कलर की लाइन है जो उसके बीच में लिखा जाएगा, और ऊपर की ब्लू लाइन से नीचे वाली ब्लू लाइन का स्टैंडिंग लाइन करते हुए फिर इस तरह से इससे मोड़ना है, तो फिर से ऊपर वाली ब्लू लाइन से ते बन गया यू। क्या करेंगे, ऊपर वाली ब्लू लाइन से नीचे वाली ब्लू लाइन का
इस तरह से गोला मोड़ेंगे और इस तरह से ये बन गया यू। यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला। और यू फॉर यूटेंसिल्स, बर्तन जो किचन में होते हैं, ग्लास, टिबीस, वो सब बर्तन होते हैं स्टील के, तो उसको इंग्लिश में यूटेंसिल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूटेंसिल्स। तो यू फॉर यूटेंसिल्स, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला। फिर क्या आएगा? आर एस टी यू। फिर क्या आएगा बताओ? हाँ वी। तो वी को कैसे लिखेंगे? इस तरह से ब्लू लाइन में लिखा जाएगा, दो ब्लू लाइन के बीच में ही। और क्या करेंगे? दो लाइन में एक ऐसे और एक ऐसे, यानी यहाँ बीच में आना चाहिए। क्या करेंगे? एक इस तरह से स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे और यहाँ से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे आओ, इसको ज्वाइन करना है। ए बन गया बी। बी फॉर बैंड, बी फॉर वायोलिन, और बी फॉर वास जिसमें फ्लावर रखते हैं, तो बन जाएगा फ्लावर वास। तो बी फॉर वायोलिन, बी फॉर वास, बी फॉर फैन। तो बी लिखना भी आ गया। और क्या आएगा? आर एस टी यू बी। ये क्या आएगा? डबल्यू। तो डबल्यू को कैसे लिखेंगे? ये जैसे बी किया है ना वैसे ही करेंगे। और फिर से दूसरा भी यहां से, तो ये बन गया डबल। दो भी बनाए, ये एक ही भी है यहाँ पे, दो बनाए, तो ये बन गया डबल। फिर से इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, तो डबल। तो डबल फॉर क्या होगा? वॉच। डबल फॉर वॉच, डबल फॉर व्हील, डबल फॉर व्हील। व्हील तो पता है ना आपको? हाँ। तो डबल फॉर व्हील, डबल फॉर वॉच। देन क्या आएगा आगे? आर एस टी यू वी डब्ल्यू। फिर क्या लिखेंगे? एक्स। तो एक्स फॉर पहले इसे स्लाइड निकला, ये भी ब्लू कलर की लाइन में लिखा जाएगा और इस तरह से क्रॉस करेंगे, क्रॉस बनाना है, दो स्लाइडिंग लाइन बनानी है ये इस तरह से और इसकी अपोज में। ये बन गए एक्स। एक्स फॉर एक्स मस्ट्री, एक्स फॉर एक्स मस्ट्री। और एक्स फॉर एक्सरे भी होता है, एक्स फॉर एक्सरे भी होता है, पता है आपको? मैंने बताया था एक्सरे यानी क्या होता है। ओके तो एक्स फॉर एक्स मस्ट्री, एक्स फॉर एक्सरे। और एक्स के बाद क्या आएगा? आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स टी वाई। तो वाई को कैसे लिखेंगे? तो ये यू लिखा है वैसे, इस तरह से लिखा और फिर उसको नीचे लाना, ऊपर वाली ब्लू लाइन से नीचे वाली पिंक लाइन तक वाई। और फिर इस तरह से मोड़ना है, ये बन गया वाई। क्या करेंगे? यू बनाएंगे पहले, फिर ऊपर जाएंगे और ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन करते हुए वापस और ये हो गया वाई। Y for ya, Y for ya, Y for ya, okay? और लास्ट में क्या आएगा? R S T U V W X Y Z। तो Z को कैसे लिखेंगे? ये भी दो ब्लू लाइन के बीच में लिखा जाता है। तो क्या करेंगे? पहले शेपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन की
फिर जहां पे स्लिपिंग लाइन खत्म हुई वहां से स्लैंटिंग लाइन इस तरह से सेवन बनाई, सेवन। और फिर दूसरी स्लिपिंग लाइन ये बन गए ऐसे है। क्या करेंगे, स्लिपिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन यानी सेवन बन गया और ये इस तरह से जेड, जेड फॉर ज़ेब्रा, जेड फॉर ज़ेब्रा। समझ में आ गया, जेड फॉर जीरो भी होता है, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो। ओके समझ में आ गया। आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ जो लेटर्स है वो सारे दो ब्लू लाइन के बीच में ही लिखे जा रहे हैं, सिर्फ एक की ऊपर की तरफ जा रहा है और वायर की जो टेल है पूंछ वो नीचे की तरफ आती है। तो ये दो ही लेटर है कि जिसमें ये नीचे वाले ऊपर लिखते, बाकी जो आज हमने लिखे वो सारे लेटर्स ब्लू लाइन के बीच में लिखे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी लाइन में लिखा जा रहा है। तो आप लोग क्या करोगे कि इंग्लिश की जो नोटबुक है उसमें ये पूरा रिवीजन करोगे, पूरा पेज भर के लिखोगे अच्छे से ध्यान से। ओके अब तो अपने आप आएगा, तो ना मम्मा की हेल्प लेनी ना पापा की हेल्प लेनी है, और अच्छे से ध्यान से लिखिएगा। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।